हेलो स्टूडेंट्स, मैं दयाल चौधरी, टीम सीएलसी, टीम केमिस्ट्री। आज अपन माइनर 7 में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पेपर का सॉल्यूशन यहां डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ फ्लोरीन एटम्स विच सबस्टेंट 90 के एंगल पे आपको देखने हैं sp6 में। तो sp6 आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो गया, sp3d2, और sp3d2 में 90 डिग्री के एंगल कितने होते हैं, 12 है। अगर इनको देखना चाहे तो किस प्रकार से होंगे, ये एक्सियल बॉन्ड बना लेगा 490 पे एंगल, चार ये नीचे वाला बना लेगा, दोनों एक्सियल बॉन्ड टोटल बना लेंगे 8, और ये स्क्वायर के अंदर चार एंगल ये आ गया आपके, तो टोटल कितने आ जाएंगे, 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, इन विच ऑफ द पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स आयंस बोथ द स्पीशीज आर नॉट लाइकली एग्जिस्ट। आपको यहाँ पे देखना है जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है या फिर नेगेटिव में चला जाता है वो स्पीसीज कभी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आपका एक तो हीलियम, इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, 0, MOTC सोल्व करना है आपको, और HE+2 इलेक्ट्रॉन ही 0 हो गए यहाँ, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 0, तो दोनों ही स्पीसीज यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आयंस डज नॉट कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आपको यहां पे देखो, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 13, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 16, इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 18, और इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 10। MOTC से फिलअप करके देखना है तो आपको पता है 14 बॉन्ड ऑर्डर इनका कितना होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, 3, MOTC अगर अप्लाई करके देखें, और अनपेड इलेक्ट्रॉन आपका क्या आ जाएगा, 0। तो आपको यहां पे देखना है किसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 13 है, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा 1, MOTC आप चेक करो इसको, ऑक्सीजन है, MOTC ही बताती है कि ये पैरामैग्नेटिक होता है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, यहाँ पे 2 और गेन कर लेगा, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अगर आप फिल करना देखना चाहे तो σ1s2 हो गया, σ1s*2 हो गया, σ2s2 हो गया, σ2s*2 हो गया, फिर आपका σ2pz2 हो गया, π2px पाई 2py, दो दो इलेक्ट्रॉन ये हो गए, फिर पाई 2px एंटीबॉन्डिंग वालों में बात करें स्टार, तो दो दो, तो यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, 0, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ए सीक्वेंस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म बाय द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ विच एटॉमिक ऑर्बिटल। तो आपको यहां पे देखना है स्क्वायर प्लेनर के अंदर, स्क्वायर प्लेनर बोले तो dsp2, और dsp2 में d कौन सा होता है, dx2y2, क्लियर। अब बात कर रहे हैं किसकी, तो ऐसा ऑप्शन आपके पास ये की है, दो p होंगे, p आपका px py ले लो, और आपका s ऑर्बिटल हो गया। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ स्पीशीज s2 s2 minus s2 plus, तो आप याद रखें जिसमें बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 0.5 होता है, और इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 0.5 होता है। जब बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाता है तो आप ये देखो किसके अंदर एंटीबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जिसमें एंटीबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, तो यहां पे एंटीबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपका ज्यादा मिलेगा, तो आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा 2। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट, कौन सी स्पीसीज एग्जिस्ट। यहाँ पे देखिए इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता ही नहीं, इस वजह से ये वैलेंसी एक्सपेंड करके चेन नहीं बना सकता, तो आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ मेनी स्पीसीज यूज्ड वैकेंट ऑर्बिटल ऑर्बिटल्स इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्रोसेस। तो आपको पता है यहाँ ट्राइसेंट्रिक बॉन्ड से डाइमर बनता है जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 हो जाता है, तो यहाँ तो इन्वॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे भी AlCl3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, डाइमर जब बनता है तो वैकेंट ऑर्बिटल यूज होता है, तो यहाँ पे भी जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आया है वो किसकी वजह से आया, वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ रहे हैं और जहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन्वॉल्व हो गए उनको वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ पे भी वैकेंट ऑर्बिटल यूज होगा। यहाँ पे देखा जाए इसका ड्रेगो रूल देखे तो हाइब्रिडाइजेशन है ही नहीं, और अगर ड्रेगो रूल को छोड़ के अगर देखते हैं तो अपन इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोल सकते हैं। ऐसे में इसमें आपके पास है देखा जाए तो एक तो लोन पेयर मतलब फुल फील्ड ऑर्बिटल, दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, तो ऐसे में आपका आ जाएगा ABC फर्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं,
इनकरेक्ट ऑर्डर यहां पे देखना है. तो सबसे पहले स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी डाई एटॉमिक स्पीशीज की है तो आप एमओटी से देखें, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. तो इसका बॉन्ड ऑर्डर तो आपका कितना आ रहा है 1.5 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर आपका आ जाएगा 2 और इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा आपका 3. एमओटी से आपको चेक करना है. तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी भी बढ़ रही है, ये तो सही हो गया. नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू एमओटी, तो एमओटी के अकॉर्डिंग देखें इसमें सिग्मा 1 आता है और पाई आता है 1, लेकिन यहाँ पे दो बॉन्ड होंगे, दो बॉन्ड ऑर्डर आता है, लेकिन दोनों के दोनों बॉन्ड यहाँ पे कैसे होते हैं पाई अकॉर्डिंग टू एमओटी. तो ये बात भी आपका सही है. फिर बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा है, तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा सीसी, फिर एनएन ओओ, यहाँ पे भी बिल्कुल सही बात होगी. फिर बात करें बॉन्ड एनर्जी की, बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो आपको पता है यहाँ लोन पेयर रिपल्सन लगता है, स्मॉल साइज है क्लोरीन की बहुत ज्यादा, तो इसकी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी आपकी यहाँ आ जाएगी नियर बाय टू आई टू. तो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा 4th. नेक्स्ट देखते, इफ एसपी मिक्सिंग इज नॉट कंसिडर्ड नेचर ऑफ बी टू, एसपी मिक्सिंग नहीं करनी है, एसपी मिक्सिंग नहीं करें तो सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s स्टार 2 सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s स्टार 2, तो अब सिग्मा 2pz पहले ही आ जाएगा अगर एसपी मिक्सिंग को नहीं माने तो ये 2, तो ऐसे में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे 0, तो ये कैसा बन जाएगा डायमैग्नेटिक. नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर एंड शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ. तो एक काम करते हैं, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे शॉर्ट आएगी. तो एक तो आपको एनओ दिया है, एक एनओ प्लस दिया है, एक एनओ प्लस 2 है और एक एनओ माइनस है. तो इसके लिए 14 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाएगा. इसके 15 हो गए तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ जाएगा. इसके लिए NO2 प्लस आ गया, मतलब दो इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया, एक और निकाल दिया, तो इसके लिए भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ जाएगा. और NO माइनस है तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा आपका 2. क्लियर? तो यहां से देखा जाए तो इसी के पास बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, और बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा होता है उसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी. तो आपका आंसर आ जाएगा 4th. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट, तो जो सबसे ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर रखेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा. तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ SnCl4, आपका यहाँ पे टिन प्लस 4 में है तो पोलराइजेशन ज्यादा करेगा, ज्यादा करेगा तो कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आयनिक पोटेंशियल, आप इसमें सिंपल सा ध्यान रखो, जिसके पास कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है, फाई ज्यादा है, कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है, तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं. आपका कौन सा आंसर आ जाएगा 4th आ जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट रिलेशन देखना है. तो आपको पता है पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक पोटेंशियल, आयनिक पोटेंशियल ज्यादा है तो कोवेलेंट करेक्टर भी ज्यादा है, तो पहला तो एकदम सही है. फिर कोवेलेंट करेक्टर साइज ऑफ केटाइन, केटाइन आप हमेशा ध्यान रखो फाई क्या आता है, चार्ज ऑफ केटाइन और साइज ऑफ केटाइन. क्लियर? तो साइज कम होनी चाहिए, जबकि यहां बोल रहा है साइज ज्यादा, साइज ज्यादा हो गई तो फाई कम हो जाएगा, फाई कम हो गया तो कोवेलेंट करेक्टर कम हो जाएंगे, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपका 2nd हो जाएगा. नेक्स्ट, हाउ मेनी sp2 एंड sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम आर, यहां पे देखना है. तो हमेशा ध्यान रखो ये आपकी बेंजीन ही थी, और बेंजाइन में क्या होता है एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड फॉर्म बाय sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, मतलब ये जो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड आ रहा है यहां पे, या यूं मान लो यहां पे जो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड आ रहा है ये पाई बॉन्ड sp2 से ही बनता है, यही एक एक्सेप्शन है जहां पर हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाते हैं, बाकी हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं. तो ये ऑलरेडी sp2 है ही है, तो 6 के 6 आपके कैसे हो जाएंगे sp2. नेक्स्ट अपन बात करते हैं, पोलराइजेशन इन्वॉल्व द डिस्टॉर्शन ऑफ द शेप ऑफ एन एनायन बाय एन एडजेंटली प्लेस्ड कैटायन इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो आप हमेशा ध्यान रखो मैक्सिमम पोलराइजेशन इज ब्रो अबाउट द कैटायन ऑफ हाई चार्ज, कैटायन पर जितना ज्यादा चार्ज होगा पोलराइजेशन पावर उसकी उतनी ही ज्यादा होगी. तो आपका पहला ही यहां पे करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, करेक्ट अपने को देखना था. नेक्स्ट,
which is incorrect order of overlapping. Overlapping का देखना है तो directional orbital में overlapping ज्यादा होती है, हमेशा याद रखो. तो यहाँ पे यह दोनों directional है, यहाँ पे एक directional है, दोनों ही non directional है, तो ये sequence तो आपका सही है और आपको यहाँ पे देखना है incorrect. फिर यहाँ पे देखा जाए सारे ही नॉन डायरेक्शनल हैं, सब सारे नॉन डायरेक्शनल हो, तो साइज जिसकी ज्यादा होगी और लैपिंग की क्वांटिटी उतनी ही कम हो जाएगी. तो वन वन पहले सेल गए, ये दूसरे सेल गए, तीसरे साइज लगातार बढ़ रही है तो और लैपिंग कम हो रही है, ये बात भी सही है. हाइब्रिड ऑर्बिटल ज्यादा डायरेक्शनल होते हैं, जितना ज्यादा है इस करेक्टर और लैपिंग उतनी ही ज्यादा. तो देखो एक नॉन डायरेक्शनल है, एक डायरेक्शनल, एक नॉन डायरेक्शनल, एक डायरेक्शनल, एक नॉन डायरेक्शनल, एक डायरेक्शनल, लेकिन इनमें भी देखें हाइब्रिड है तीनों. तो जिसमें एस करेक्टर ज्यादा है वहां पोलराइजेशन ज्यादा होगा, तो यहां सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग होगी. पोलराइजेशन क्या, सॉरी, ओवरलैपिंग. तो ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा एसपी में होगी, उससे कम एसपी टू और सबसे कम एसपी थ्री. तो ये बात भी सही है. आप ये उल्टा कर दिया बिल्कुल ही, हमने कहा एस करेक्टर ज्यादा होगा तो ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, तो आपका ये आएगा सिक्वेंस. तो फोर्थ वाला इनकरेक्ट है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेन्स सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो यहां पर तो पहली बात तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है नहीं, अगर हाँ बैक बॉन्डिंग अगर मानते हो तो बैक बॉन्डिंग को कंसिडर करेंगे तो भी जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा वो किस टाइप का होगा, पाई. तो ये तो गया, यहां पे कोऑर्डिनेट, यहां पे देखिएगा ओ एच एच, जब इसके पास एच प्लस आता है तो ये अपना जो लोन पेयर होता है एक लोन पेयर इसके साथ कोऑर्डिनेट कर लेता है, तो इसके अंदर आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिल जाएगा. नेक्स्ट बात करते हैं अपन, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इन. तो यहां पर तो हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या आ गया, sp. यहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 और इसके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3. तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड. नेक्स्ट बात करते हैं, इन विच कंपाउंड जीनोन इज प्रेजेंट इन देयर सेकंड. देखो आपकी फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में तो इसके पास, सॉरी ग्राउंड स्टेट में तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके, या वैलेंसी कितनी होती है, जीरो. जीनोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आठ हैं, लेकिन ग्राउंड स्टेट में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसकी कोवैलेंसी जीरो. फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में इसके पास कोवैलेंसी दो, एक एक्साइटेशन से कोवैलेंसी में चार का, दो का एक्सपेंड होता है, तो सेकेंड एक्साइटेशन आया तो कोवैलेंसी हो गई चार. तो सेकेंड एक्साइटेशन में कोवैलेंसी चार वाला कंपाउंड कौन सा है, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन सीएल, ये सॉलिड, ये चीज ध्यान में देने वाली है भाई, सॉलिड की बात कर रहे हैं. सॉलिड में ये एग्जिस्ट कैसे करता है, ClO2 प्लस और ClO4 माइनस. तो इसका हाइब्रिडाइजेशन तो कितना हो जाएगा, sp3, और इसका हाइब्रिडाइजेशन आपका कितना आ जाएगा, sp2. तो इसमें आंसर आ जाएगा थर्ड. नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इनकरेक्ट ऑर्डर देखना है. तो आपको देखो ये प्लस वन में है, ये प्लस टू में है और ये प्लस थ्री में है. जितना ज्यादा चार्ज बढ़ेगा उतना ही क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन ज्यादा. केटाइन पे जितना ज्यादा चार्ज, पोलराइजेशन पावर उसकी उतनी ज्यादा, पोलराइजेशन पावर ज्यादा, कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा. लेकिन यहां कह रहा है इससे ज्यादा कोवेलेंट इसका, ये गलत है, ये आएगा कोवेलेंट. तो फर्स्ट वाला आपका यहाँ पे फॉल्स हो. नेक्स्ट, विच स्पीसीज इज प्लेनर. तो ये रहा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ट्राइगोनल प्लेनर होगा. यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने से ये पिरामिडल आ जाएगा. यहाँ पे देखा जाए sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, पिरामिडल हो जाएगा. और इसके पास देखा जाए sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा. तो प्लेनर कौन सा है आपका, फर्स्ट. द मॉलिक्यूल MLX इज प्लेनर विद सेवन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कर रहे हैं, सेवन इलेक्ट्रॉन पेयर किसमें होते हैं, sp3 d3 में. और ये प्लेनर कब हो सकता है, जब दो लोन पेयर आ जाएं, याद कीजिए. ये प्लेनर एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब यहां पर पांच तो आपके क्या हो, सिग्मा बॉन्ड पेयर हो, और दो ये आपके कौन आ जाएं, लोन पेयर आ जाएं, तो आपका क्या आ जाएगा, क्लियर. नेक्स्ट, विच हैज मैक्सिमम डायपोल मोमेंट. इसका तो डायपोल मोमेंट देखा जाए तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, डायपोल मोमेंट इसकी वजह से होगा. यहां पे देखा जाए तो रिजल्टेंट ये भी इधर ला रहे हैं, ये भी इधर, तो तीनों का डायपोल मोमेंट एक डायरेक्शन में आके जुड़ जाएगा. तो यहां पे डायपोल मोमेंट जीरो हो गया और यहां पे डायपोल मोमेंट जीरो हो गया, बैलेंस कर रहे हैं दूसरे को, तो आपका कौन सा आंसर आ जाएगा, सेकंड. नेक्स्ट,
sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेंट, sp3 में हमेशा याद रखो टोटल चार ऑर्बिटल हो गए, तो 1 बाय 4th पार्ट तो s का है और 3 बाय 4th पार्ट p का है, तो p करैक्टर कितने हैं 3 बाय 4 और s करैक्टर कितने हैं 1 बाय 4, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ पाई बॉन्ड इन SO3, याद रखो SO2 और SO3 में पहला बॉन्ड पी पाई बाकी सारे पी पाई डी, क्योंकि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो एक ही p है जो पाई बॉन्ड बना सकता है, इसमें भी sp2, तो इसके पास एक पी पाई दो है पी पाई डी पाई और आपको इसी की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट सिलेक्ट द पेयर ऑफ विच द डायपोल मोमेंट ऑफ फर्स्ट स्पीसीज इज ग्रेटर देन सेकंड स्पीसीज, तो आपका इसमें फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है दोनों में, एक लोन पेयर हो गया, तो लोन पेयर की वजह से मॉलिक्यूल पोलैरिटी ऊपर की तरफ है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है जिस वजह से बॉन्ड पोलैरिटी इसकी नीचे की तरफ है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे एंटी बैलेंस करेंगे। यहां पे देखा जाए तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है जिस वजह से बॉन्ड पोलैरिटी और मॉलिक्यूल पोलैरिटी एक ही डायरेक्शन में होगी तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो फर्स्ट वाली का डायपोल मोमेंट सेकंड वाली से ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम लेबल्ड, ये आपका C1 है और ये C2 है, तो यहां पे देखो 1 2 3 4 सिग्मा हो गए, लोन पेयर 0 है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, यहां पे 3 सिग्मा 1 पाई है तो इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो आपका यहां पे आंसर आ जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल आयोडीन एटम इन यहां पे आई एफ फाइव, तो आप देखो सेवन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, पांच साइड एटम हो गए, सात और पांच आपके कितने हो गए 12 डिवाइड बाई 2, तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया sp3 d2। फिर आपका i3 माइनस की बात करें, i3 माइनस की अगर अपन बात करें तो यहां पे याद रखो वैलेंस फिर दो साइड एटम हो गए 9 और एक ये 10 डिवाइड बाई 2 तो आ गया 5, तो हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3 d। वैसे ही i3 प्लस का निकाल लें, 7 2 9 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 आ गया 4, 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3, तो आपका यहां पे sp3 d2 sp3 d और sp3, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड, सबसे पहले यह ध्यान रखना ऑब्जर्व है या नहीं है क्या पूछा गया है, तो ऑर्थो पोजीशन पे हमेशा बिल्कुल मिलेगा, ऑर्थो बेंजाइल्डिहाइड है तो यहां पे आपकी मिल जाएगी ऑर्थो बेंजाइल्डिहाइड में, समझ रहे हो आप चीज, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, तो ये तो हो गया बेंजाइल्डिहाइड, ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी, तो यहां पे बिल्कुल एच बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। फिर यहां पे देखो ऑर्थो पोजीशन आती है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है तो यहां पे भी मिल जाएगी, ये NO2 और ये आपका OH, तो यहां पे भी देखने को मिल जाएगी। क्लोरल हाइड्रेट ये वो है जहां पे Cl भी आपकी क्या बनाती है एच बॉन्डिंग बनाती है, तो क्लोरल हाइड्रेट में भी आपका बन जाएगा। बोरिक एसिड यहां पे एसोसिएशन चालू हो जाएगा, बोरिक एसिड में क्या होगा कई बोरिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस के अंदर जग करके क्या बनाते हैं एच बॉन्डिंग, तो आपका आंसर चला जाएगा यहां पे फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन द फॉलोइंग मेंशन लिंक, तो देखो यहां पे आयन आ गया, ये याद रखो सबसे स्ट्रॉन्ग तो ये बन जाएगा फ्लोरीन हाई, देखो फोन जब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से सीधा कौन जुड़ता है हाइड्रोजन तो आपकी एच बॉन्डिंग होती है, तो यहां पे देखो आयन आ गया तो सबसे स्ट्रॉन्ग तो आपका चला जाएगा थर्ड। फिर फ्लोरीन से जुड़ा हुआ साइड एटम भी फ्लोरीन है तो यहां पे भी आपका क्या आ जाएगा यह आ जाएगा फोर्थ। अब ये दो केस आ गए, तो यहां पर तो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और यहां पर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में पहले तो आएगा आपका कौन सा फर्स्ट और फिर आपका चला जाएगा सेकंड, तो आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मॉलिक्यूल हैविंग जीरो डायपोल मोमेंट प्लेनर स्ट्रक्चर, तो यहां पे तो डायपोल मोमेंट जीरो हो नहीं सकता, दो हैलोजन एटम आ गए, यहां पे NF3 ये पिरामिडल हो गया, यहां नहीं हो सकता, ये देखो यहां हो जाएगा जीनोन फ्लोरीन फ्लोरीन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, एक ही प्लेन में है ये और ये लोन पेयर एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो आपका आंसर यहां पे चला जाएगा थर्ड। नेक्स्ट की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ये रहा फ्लोरीन और फिर फ्लोरीन के साथ ही है, तो आपका थर्ड आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट बात करें,
which of the following compound contain both two center two electron or three center four electron. देखो यहाँ पे तो tricentric bond होता है, ये तो गया, अब बच गए ये दोनों. तो आपको पता है यहाँ पर BE इसका डाइमर बनाते हैं, तो CL CL इसको बना के देखे, बेरिलियम ये CL ये CL है, ये बेरिलियम ये आपका CL और ये आपका CL. तो ये कोऑर्डिनेट हो गया यार, ये कोऑर्डिनेट. तो ये जो बॉन्ड है उसमें दो इलेक्ट्रॉन ये दो इलेक्ट्रॉन ये, सेंटर कितने आ गए तीन, तो थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है. और टर्मिनल बॉन्ड कैसे आ गए, दो सेंटर है दो ही इलेक्ट्रॉन है, तो आपका एक तो हो गया ये. और ऐसा ही सेम इसमें होगा आयोडीन में, सी एल आई सी एल सी एल. तो ये साइड वाले तो टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गए, और ये आपका जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ रहा है ये कैसा हो गया, थ्री सेंटर फोर इलेक्ट्रॉन, तो इसमें आ जाएगा थर्ड. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेट विद रेस्पेक्ट मॉलिक्यूल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन से. तो यहां पे देखो BeCl2, तो इसका sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो ये तो गया BeCl2 sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये भी गया BeCl3 इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, लोन पेयर जीरो है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप आ जाएगी. क्लियर. नेक्स्ट बात करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट. यहां पे ये नहीं कह रहा मैग्नेटिक मोमेंट करेक्टर चेंज हो रहा है, यहां पे ये कह रहा है मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू चेंज होगी. तो देखो यहां पे अगर बात करें तो अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो है और यहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन एक है, तो ये तो पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक से हो गया पैरामैग्नेटिक. इसकी मैं बात करूं तो यहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो है और यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन एक है. क्लियर. यहां पे मैं बात करूं अनपेड इलेक्ट्रॉन दो है, यहां अनपेड इलेक्ट्रॉन एक है, तो यहां पर तो 2.83 है और यहां पर कितना है 1.73, तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है इसका, किसका, आपके मैग्नेटिक मोमेंट का. तो आपका आंसर कौन सा चला जाएगा, थर्ड. नेक्स्ट बात करें, हाँ तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 81. इन विच ऑफ द फॉलोइंग द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट विल नॉट चेंज, पूछा है. तो यहां पे देखो मैंने जैसे बताया यहां आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो और यहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन एक, तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू चेंज हो रही है. यहां पे म्यू जीरो है, यहां 1.73 हो गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन एक, तो यहां पे भी चेंज हो गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन दो और अनपेड इलेक्ट्रॉन एक यहां पे भी चेंज हो गया, क्योंकि म्यू आपको पता है एन एन प्लस टू, यहां पे भी अनपेड इलेक्ट्रॉन एक है, यहां पे भी अनपेड इलेक्ट्रॉन एक है, तो ये म्यू आ जाएगा 1.73 और यहां पे भी आ जाएगा 1.73, तो आंसर चला जाएगा फोर्थ. नेक्स्ट बात करते हैं, द बॉन्ड एंगल. तो कोई दिक्कत नहीं, sp हाइब्रिडाइजेशन है तो यहां पर तो बॉन्ड एंगल आ जाएगा 180 का, यहां पे sp2 है बॉन्ड एंगल आ जाएगा 120 का, यहां पे 10918 आ जाएगा sp3, इसमें भी sp3 है लेकिन लोन पेयर आने से थोड़ा बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, तो लेस देन 109 रहेगा. तो सबसे ज्यादा तो इसमें हो गया, फिर इसमें हो गया, फिर इसमें, सबसे कम इसमें, तो फर्स्ट ही आपका यहां पे आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिफरेंट बॉन्ड ऑर्डर. तो यहां पे देखो इलेक्ट्रॉन जोड़ लो आप, 6, 8, 14 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि आपका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3. यहां पे देखो 7, 6 + 7 + 1 = 14, तो यहां पे भी बॉन्ड ऑर्डर 3. यहां पे देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 15, यहां पे बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा आपका एंटी बॉन्डिंग से कम हो गया तो 2.5, और यहां पे देखा जाए तो 7 + 8 - 1 = 14, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3, तो आपका आंसर चला जाएगा थर्ड. नेक्स्ट बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग हाइड्राइड्स एंड अरेंज देम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल. तो आप इसमें सिंपल सा निकोजन फैमिली आ गई, तो यहां पे आप दो चीज देखो, आप अगर ड्रेगो रूल माने तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, जिस वजह से बॉन्ड एंगल 107 के नियर बाय आ जाता है, लेकिन यहां पर तो हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं है, तो बॉन्ड फॉर्मड बाय प्योर प्योर ऑर्बिटल, तो ये 90 के आसपास रहेगा इनका बॉन्ड एंगल, तो सबसे ज्यादा तो इसका हो गया. अब इनमें अगर बात करें तो जैसे जैसे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होती जाएगी, वैसे वैसे बॉन्ड एंगल भी आपका कम होता हुआ जाएगा, तो आपका यह आ जाएगा सिक्वेंस. तो सबसे ज्यादा तो आपका आ जाएगा फर्स्ट वाले का, फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड फोर्थ, तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, सेकंड. विच ऑफ द एंगल थीटा वुड रिजल्ट इन द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट. आपको पता है कॉस थीटा के फॉर्म में देखा जाता है इसको,
mu1 square plus mu2 square minus 2 mu1 and mu2 cos theta. तो थीटा जितना ज्यादा होगा डायपोल मोमेंट उतना ही कम हो जाएगा, तो थीटा कम होना चाहिए, तो थीटा सबसे कम कहां है, यहां, यहां पे डायपोल मोमेंट मैक्सिमम मिलेगा. नेक्स्ट, विच स्पीसीज इज हाइपरवेलेंट, हाइपरवेलेंट मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा. तो यहां पे देखो, यहां पर तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो रहे हैं, यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, यहां पे 7 और 3 10, तो ये सुपर ऑक्टेट हो गया हाइपरवेलेंट. नेक्स्ट, which species is not planar given below, कौन सी species planar नहीं है, sp2i hybridization है, कोई lone pair नहीं planar, sp2i hybridization है, कोई lone pair नहीं planar, sp3i hybridization है, एक lone pair pyramidal, और यहां पे sp2i hybridization है, lone pair 0 है, तो ये आपका planar है, तो आपका कौन सा आ जाएगा, third. which of the following species is paramagnetic, तो आप paramagnetic ढूंढो यहां पे, सबसे पहले इसकी बात करें, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 12 14, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 0. MOTC देखना है इसका, ये आपके कौन से आ गए, परोक्साइड, तो आपको पता है Na+, इसके पास तो इनर्ट पे इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन आ गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 हो गए, ये आपका क्या है, परोक्साइड, और परोक्साइड होने का मतलब है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां पे भी 0, सुपरोक्साइड होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक. अब बच गया ये, तो जब पॉलीएटॉमिक होती है तो पॉलीएटॉमिक का कैसे देखते हैं, सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम करो, तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 6 6 12 इसके हो गए, 5 नाइट्रोजन के हो गए, कितने हो गए, 17. तो अगर ये आपका कैसा आ गया, ओड नंबर में आ गया, तब ये पैरामैग्नेटिक है, और इवन आ जाता तो डायमैग्नेटिक, तो आपका ये हो गया पैरामैग्नेटिक, और इसका MOTC देख लो, 14 इलेक्ट्रॉन है, आपका कितना आ जाएगा, 0, तो थर्ड आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, व्हिच मॉलिक्यूल इज नॉट एग्जिबिट इंटरमोलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल में नहीं होना चाहिए, तो आपको पता है एसिटिक, ये एसिटिक एसिड है भाई, इसको ठीक कर लेना, तो एसिटिक एसिड में तो एक ही मॉलिक्यूल में तो हो ही नहीं सकता, तो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ही एच बॉन्डिंग करेगा ये, सॉरी, और ऑर्थोनाइट्रोफिनोल यहां पर एक ही मॉलिक्यूल में हो जाएगा, ये रहा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ठीक है, क्लियर. मेटानाइट्रोफिनोल ये भी अलग अलग मॉलिक्यूल में होगा, और बोरिक एसिड में अलग अलग में होता है, तो आपका आंसर आ जाएगा सिक. नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है अपना, द फॉलोइंग हाउ मेनी स्पीसीज हाइपोवेलेंट, हाइपोवेलेंट मतलब कि इलेक्ट्रो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से कम होने चाहिए, तो यहां पर तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से भी ज्यादा आएंगे, हाइपरवेलेंट है, यहां पर देखा जाए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, तो एक तो ये स्पीसीज हो गई, दूसरा ये भी सुपर ऑक्टेट बनेगी, आपको पता है, यहां पे देखा जाए तो इसके पास कितने हो गए, खुद के हो गए 4, ये भी आपका उसमें चला जाएगा ऑक्टेट में, ऑक्टेट कंसीडर करेंगे, यहां हमेशा ध्यान रखो अगर सेंट्रल एटम किसका है, सेकंड पीरियड का है, तो 8 से ज्यादा हो ही नहीं सकते. फिर Al3 ये आयनिक है, हमेशा ध्यान रखना, ये लगेगा कि हाइपोवेलेंट है लेकिन ये आयनिक है, यहां पर आप नहीं कह सकते आयनिक, हमेशा ऑक्टेट को कंसिडर करेंगे. फिर आपका कौन सा आ गया, Cl3, तो आपको पता है 7 3 10, ये भी हाइपरवेलेंट हो गया, तो एक ही स्पीसीज ऐसी है जो आपकी कैसी है, हाइपोवेलेंट है. तो ये था आपका माइनर 7. आई होप पेपर सबका अच्छा गया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट माइनर में. ओके, थैंक यू.